हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जिनका सपना है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में जाए, डिफेंस के सेक्टर में जाके वर्क करे। तो ये वीडियो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। तो फिलहाल मैं ये क्लियर कर दूं कि किस डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकल के आई है। देखिए, ये भर्ती निकल के आई है आईटीबीपी की तरफ से, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के लिए 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आर्म्ड फोर्स होता है, सीएपीएफ होता है, जिसके अंतर्गत आपका ये भर्ती निकल के आई है। टोटल 3 टाइप्स के पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। टोटल पोस्ट की बात करें तो 526 यानी 526 आपका पोस्ट रहने वाला है। आगे हम चर्चा करेंगे इन सभी पोस्ट के ऊपर डिटेल में कि क्या इसका रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस मतलब देखना चाहते हो डाउनलोड करके, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशंस की न्यू भर्ती के ऊपर, जो कि 526 यानी 526 पोस्ट के लिए रहेगा। पोस्ट की अगर बात करें तो तीनों पोस्ट का सबसे पहले आपको क्या बताऊंगी, कितना कितना सीट है, क्वालिफिकेशन और सैलरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। टोटल सीट आपका 92 रहेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, डजेंट मैटर क्या स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, परसेंटेज का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल सीट देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। अब इसके लिए जो सैलरी होती है ना, 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिलता है, और शुरुआत में आपको 50,000 के प्लस में ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी सैलरी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल, जिसके लिए 383 यानी 383 पोस्ट है। इसके लिए कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, बस आपने 12वीं यानी इंटर पास किया है तो हेड कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 25,800 से लेके 81,100 तक आपका रहता है। शुरुआती सैलरी 40,000 प्लस ही आपका रहेगा। थर्ड पोस्ट है हमारा क्या, कांस्टेबल का। टोटल सीट 51 यानी कि 51 पोस्ट रहेगा। इसके लिए कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है, परसेंटेज का इशू नहीं, बस पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें कि सैलरी क्या है, तो देखिए 21,700 से लेके 69,100 यानी 69,100 के बीच रहेगा। बट इन स्टार्टिंग यू विल गेट 32,000 रुपीज पर मंथ, मतलब शुरुआत में 32,000 मिलता है। तो मैंने इस पोस्ट का क्या सीट है, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, साथ के साथ सैलरी बता दिया। अब ये जानते हैं हम कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। देखिए, 15 नवंबर से ये भर्ती ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, 15th of November से। लास्ट डेट है 14th of December, तो आपको 14th of December तक वेट नहीं करना है। 15 नवंबर से जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा, आप अप्लाई कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अभी इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जारी किया गया है इसका शॉर्ट नोटिस, जिनमें शॉर्ट वे में सब कुछ बताया गया, तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 15 नवंबर को, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको अपडेट कर दूंगी। देखिए, इसके लिए फॉर्म का फी क्या रहेगा, आप जैसा कि देखा आपने 3 टाइप के पोस्ट रहेंगे। तो जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ना, उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 200 रुपीज फॉर्म चार्ज रहेगा, और अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। अदर पोस्ट की बात करें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाता है। इसमें भी आपका जो एससी एसटी है उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है।
अब हम चर्चा करते हैं व्हाट विल बी द एज लिमिट। अब चूंकि 3 टाइप के पोस्ट है तो 3 टाइप के आपके एज लिमिट भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि व्हाट विल बी द कट ऑफ डेट। तो देखिए, आपका एज जो काउंट होगा ना एज ऑन 14th of December 2024, यानी जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है वही आपका एज के लिए भी कट ऑफ डेट रहेगा। अब बात करते हैं एज की लिमिट के लिए। देखिए, कांस्टेबल के लिए है 18 to 23 years, मतलब 18 वर्ष से 23 वर्ष। हेड कांस्टेबल के लिए 18 to 25 years, मतलब 18 से 25 वर्ष। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 to 25 years, मतलब 20 से 25 वर्ष के कैंडिडेट। अब इसमें आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है ओबीसी को 3 years यानी 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 years यानी 5 वर्ष का। तो सारी बेसिक डिटेल मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट मुद्दा के ऊपर कि व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से पास होने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द फिजिकल, मतलब सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी हो जाएगा, उसके बाद रिटेन एग्जाम होता है। अब ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये फॉर्म भरिए, उसके बाद अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। थर्ड स्टेज पे डीवी यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। एंड लास्टली आपका बेसिक सा मेडिकल होगा। फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ना आपकी ज्वाइनिंग लेटर को आपके घर पे सेंड कर दिया जाएगा, फिर आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो आगे हम इन डिटेल समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस को। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द फिजिकल। तो फिजिकल में यहाँ पर देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर, एसटी वालों के लिए है 162.5 सेंटीमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट है ना उनके लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर है, एसटी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स रहेगा। देन आफ्टर चेस्ट कैलकुलेट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 80 to 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे ना उनका 76 to 81, उनके लिए भी यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। उसके बाद आपका रनिंग यानी रेस होता है, दौड़ की प्रतियोगिता होती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की होती है मेल कैंडिडेट के लिए। उनको कितने मिनट में कंप्लीट करना होता है 7.5 मिनट में। वही ये रेस आपका फीमेल्स के लिए 800 यानी 800 मीटर का होता है, उनको कंप्लीट करना होता है 4 मिनट एंड 45 सेकेंड्स में, ठीक है। देन आफ्टर आपका लॉन्ग जंप होता है 11 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फिर आपका हाई जंप होता है, 3.5 फीट रहेगा मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। तो ये आपका कंपलसरी है, इसमें क्वालिफाई करना ही है आपको, तभी जाके आपको बुलावा आएगा, एडमिट कार्ड भेजा जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो कि एग्जाम होता है आपका, ठीक है। एग्जाम के लिए मैंने पहले ही क्लियर किया है कि देखिए अभी कुछ इसके बारे में तय नहीं किया गया कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इससे रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन में कुछ आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आगे अपडेट आएगा तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। फिलहाल ये बता दूं एग्जाम आपका देखिए 3 तरह का यहाँ पर पोस्ट है, तो सब्जेक्ट सेम रहेगा तो क्या कैसे होगा मैं आगे बताऊंगी। देखिए 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा, और सबसे खुशी की बात यह है ना कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो किसी आंसर में आपको कुछ लगे कि मतलब सही है या गलत है तो उसको छोड़ना नहीं है, टिक करके ही आना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल हिंदी के भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन, मतलब सामान्य अध्ययन जीके जीएस से 20 क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपका 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्टली रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। एग्जाम के लेवल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि एसआई का भी पोस्ट है, हेड कांस्टेबल भी है और कांस्टेबल है, तो तीनों का एग्जाम सिलेबस लगभग सेम होता है। अगर बात करें कि एग्जाम का लेवल
तो जो कांस्टेबल की परीक्षा होगी वो इजी होगी 10th लेवल के ऊपर। जो हेड कांस्टेबल का होगा उसका मान लीजिए कैसे एसएससी में होता है सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल, उसी तरीके से 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल थोड़ा सा बस टफ रहेगा, एक दूसरे से हल्का डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, लेवल थोड़ा हाई रहेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज ना वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।